इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। शहर के मेयर श्री जय कुमार जनार्दन उर्फ जे जे साहब कल से अपने निवास स्थल से लापता हैं।
अब तक उनसे संबंधित कोई भी सूचना पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। उनके इस तरह अचानक लापता हो जाने को संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। पुलिस कमिश्नर इस घटना को चिंताजनक बताते हैं। उनका कहना है कि जेजे साहब के निवास स्थल को देखकर ऐसा लगता है जैसे वहां पर भारी संघर्ष हुआ था। जेजे साहब के साथ उनका पीए माथुर और उनकी सेक्रेटरी नताशा भी गायब हैं। पुलिस पूरी मुस्तैदी से उन्हें खोज रही है। शक्तिमान के गायब हो जाने के बाद श्री जेजे का गायब हो जाना दूसरी महत्वपूर्ण घटना बताई जाती है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से सभी को खोज रही है। हालांकि प्राप्त सूचनाओं के अनुसार शक्तिमान को एक बार फिर शहर में देखा गया है और एक बार फिर उन्होंने लोगों को मुसीबत से बचाया है। इस अलार्म का मतलब है कोई आया है। कौन हो सकता है? अभी पता चल जाएगा। अगर दोस्त है तो ठीक है, वरना अरे ये तो नताशा है। यानी कि दोस्त। अच्छा तो तुम भी यहाँ पहुंच गई? हाँ, क्योंकि मैं जानती थी माथुर पनाह लेने के लिए यही आएगा। I know, इसका मतलब ये कि तुम्हारी मायावी शक्तियां भी छिन गई हैं। Yes, yes, डॉक्टर सामरी, हम दोनों की मायावी शक्तियां काकोदर से जुड़ी हुई थी और उस वक्त जब शक्तिमान और काकोदर में युद्ध हो रहा था मैं साधना में थी शक्ति प्राप्त करने के लिए। और मुझे यकीन है माथुर की भी शक्ति इसी तरह से छिन गई होगी। लेकिन कैसे कैसे हासिल करोगे तुम लोग अपनी शक्ति? एक ही तरीका है, शक्तिमान की बलि। शक्तिमान की बलि? हाँ, शक्तिमान की मौत ही हमें दोबारा शक्तिशाली बना सकती है। I know. शक्तिमान के खौफ ने तुम लोगों का दिमाग बेकार कर दिया है। अरे तुम लोग भूल गए कि तुम लोग आम घटिया आदमी की तरह हो, सिर्फ आम घटिया आदमी की तरह शक्तिहीन। शक्तिमान को क्या मारो? नहीं सामरी, अभी भी हमारे साथ एक ताकत है, अंधेरे की ताकत, पाप की ताकत। वही हमारे लिए रास्ता बनाएगी, क्योंकि अंधेरा कायम है। चला दे इस कुत्ते का घर। आवाज करेगा तो तुझे भी कुचल दूंगा। बंद करो बेटे, चिल्ला मत कुत्ते, वरना तुझे भी यहाँ खत्म कर दूंगा। कुत्ते बहुत चल। चलो हमें बचा लो शालू बेटे। बेटे तुम्हारे कहने से मकान हमने खाली नहीं किया, देखो ना इन गुंडों ने हमारी क्या हालत बना दी है। घबराओ मत काका, ये घर तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। आ, 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 आ,
अपने आप को भाई समझती है क्या? क्यों? उस कुत्ते का घर बचाना आई थी ना? आप तो देखती जा उस बुड्ढे का घर कैसे चलता है। ये बकिया, चला दे उस बुड्ढे का घर। जलाएंगे आप लोग? नहीं, कभी नहीं। बूढ़े कमजोर लोगों को? नहीं, कभी नहीं। तो ठीक है, अपनी मर्दानगी दिखाओ और शराफत से खुद पुलिस स्टेशन चलो, चलो वरना। पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड्स ज़ोन।